समिति जिन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम करा, मैं सोसाइटी को बहुत दिल से बधाई देता हूँ और बहुत अभिभूत हूँ कि एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम जिसमें ब्लड डोनेशन और नशा मुक्ति का करा, बहुत अच्छा प्रयास है। बड़े अच्छे डॉक्टर जो थे, डॉक्टर राजीव गुप्ता एम्स से हैं, उन्हें बुलाए हैं, बुला के जो ये कर रहे हैं, मैं इसके लिए इन्हें बधाई देता हूँ। बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि हमारे यहाँ साथ लगती स्टेटों की वजह से या डिफरेंट रीजन से डिप्रेशन की वजह से बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। इसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मैं समझता हूँ जो आदमी अपना काम छोड़ के इसलिए करे, उस आदमी के लिए जितनी बधाई दे उतना ही कम है। तो मैं इस संस्था को बहुत तहे दिल से, मैं तो उदयपुर था, कल इनका मैसेज गया कि जी ऐसा है, मेरे आला कि और प्रोग्राम लगे हुए थे, पर जब देखा कि ब्लड डोनेशन और नशा मुक्ति का प्रोग्राम है, तो मैंने अपने कैंसिल करके इसके लिए टाइम निकाल लिया था। तो मैं इनको बधाई देता हूँ। तो सर क्या कहेंगे, नशा आम लोगों के लिए और सरकार के लिए भी चुनौती बन गया? देखिए, सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए, सबसे पहले समाज के लिए। सरकार तो कोई भी आती जाती है, सरकार तो लोगों की बनाई होती है। अगर पेरेंट्स हो जाए, जो बच्चा ज़िंदगी छोड़ के जा रहा है उसके लिए तो बहुत ही खतरनाक है। तो ऐसी चीज़ों के लिए कोई किसी पे दोष देना या किसी के लिए जुम्मे डालना, ये अच्छी बात नहीं। मतलब इसमें प्रयास ही होना चाहिए कि इस बीमारी को तुरंत इससे हैवी हैंड से ऐसे जो नशे आ रहे हैं उन्हें क्रश कर देना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। और इसके लिए इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहूँगा, अभी पड़ोसी राज्य में राजस्थान में कल वोटिंग, भारी वोटिंग हुई है, क्या दिख रहा है आपको? देखिए, मैं बीजेपी के लिए कंपेन करके मैं बीजेपी की बात कहूँगा, जो कांग्रेस के लिए है वो कांग्रेस की बात, अल्टीमेटली तो पब्लिक डिसाइड करती है। अलग अलग व्यूज़ आ रहे हैं, कुछ नहीं होता, कई बार ओपिनियन पोल भी फेल हो जाते हैं। सही मायने में तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। तो मेरा ये मानना है, जो मूड देखा, माहौल देखा, ये मैं उन्हीं हलकों में गया जहाँ बीजेपी का अपरेंट था। अभी जब तक उसमें मुझे जो एक अंदाजे से जो फीडबैक हो, तो मैं ये कहूँगा कि राजस्थान में बीजेपी निश्चित तौर पर जीत रही है। दूसरे राज्य हैं, चार राज्य हैं, उनमें भी मैं गया नहीं, इस करके मुझे जानकारी नहीं।